हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसी अहम जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगे या आप अपने आप में एक आत्मविश्वास ला सकेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आपको पता था कि बीच में एक मुद्दा उठा था जिसमें शीतला प्रसाद जी ने यह व्याख्यान दिया था, यह वाक्य कहा था कि लगभग 16,000 TGT PGD के पद खाली पड़े हुए हैं। अब एक तरफ अनिल सिंह जी और एक तरफ विक्की खान जी, ये दोनों बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन पदों को या तो इस भर्ती में जोड़ दिया जाए या इन पदों पर एक नया विज्ञापन जारी कराया जाए। जो लोग वंचित रह गए थे उसको इस भर्ती में लाभ मिले। इसका मतलब ये है कि लगभग 16,000 पद TGT PGD में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि इन पदों को इसमें जोड़ा जाए। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, यदि अब हमने भर्ती को जागृत करने के लिए, नए भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आंदोलन नहीं करा, संघर्ष नहीं करा, तो हम 16,000 जो वैकेंसी पड़ी हैं इनका विज्ञापन जारी नहीं करा पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। अब बात करता हूँ मैं तदक शिक्षकों को लेकर के। आपको पता है कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है और इनको बाहर भी कर दिया गया है, और ये कहा है कि यदि कोई भी तदक्त किसी भी विद्यालय में पढ़ाता है तो उसको सरकार द्वारा कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। जो उस विद्यालय का प्रबंधक है वही तदक्त शिक्षकों को उनकी सैलरी देगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार का कोई भी मतलब नहीं है अब तदत्त शिक्षकों से। जिस भी विद्यालय में तदत्त शिक्षक पढ़ा रहा है केवल वही का प्रबंधक, उसी विद्यालय का प्रबंधक ही उनको सैलरी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए सभी ज़्यादातर शिक्षकों ने, जो तदत्त शिक्षक हैं, उन लोगों ने उसको छोड़ दिया है, विद्यालय को छोड़ दिया है। वो किसी भी कोचिंग संस्थान में जा कर के वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे थे उनके जाने के बाद उस विषय में, आप समझ ले रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उस विषय में उस पद पर जो रिक्त पद आए हैं ना, उनको धीरे धीरे अध्यक्ष में लिया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए जनता इंटर कॉलेज है, उसमें दो शिक्षक हैं तदत्त, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, बाहर हो चुके हैं, सैलरी वही 2-3 हज़ार मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि वे तदत्त शिक्षक वहाँ से चले गए हैं और किसी भी कोचिंग संस्थान में वे पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के पद खाली हो गए। तो उन्हीं पदों का अध्यक्षन अब DIOs के पास जाएगा। ठीक है, वह आयोग को प्रोवाइड कराएगा, वो जो आयोग है वो सरकार को प्रोवाइड कराएगी, उसके ऊपर एक नया विज्ञापन जारी कराया जाएगा। तो फाइनल बात यह है कि अब हो सकता है कि 16,000 पदों में तदत्त शिक्षकों को भी जोड़ा जाए, मतलब तदत्त शिक्षकों जो पद हैं उनको जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि जितने पद बढ़ेंगे, जितने पदों पर अच्छी वैकेंसी आएंगी, उतना ही बच्चों को लाभ मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।